नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार यादव एम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने राइट टू एजुकेशन की बात की थी। राइट टू एजुकेशन की धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में कहा गया है, तो आज हम चर्चा करेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति SMC। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC प्रावधान राइट टू एजुकेशन की धारा 21 में जब राइट टू एजुकेशन लागू किया गया तो विद्यालयों के पूर्ण संचालन के लिए SMC की आवश्यकता हुई, तो इसकी धारा 21 में SMC का गठन और इसी की धारा 22 में SMC के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। SMC का गठन जो है वो राइट टू एजुकेशन की धारा 21 में कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है, कुल सदस्य संख्या, SMC में कुल सदस्य 16 होंगे। SMC के सदस्यों की संख्या कुल संख्या है 16। अब इसमें कंडीशन यह रखी गई है 16 सदस्यों में 50% या न्यूनतम 8 महिला। सबसे पहले SMC का गठन राइट टू एजुकेशन 2009 के द्वारा 21 में कहा गया है। SMC में कुल सदस्य संख्या 16 होगी, 16 में से न्यूनतम 8 महिला या 50% जो है महिला सदस्य होंगे। अधिकतम 16 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, लेकिन न्यूनतम 8 होना आवश्यक है। अब ये जो 16 सदस्य होते हैं ये होंगे कि कौन कौन, इसमें अभिभावक सदस्य 75% या 11, दोनों में से एक कंडीशन। 16 में से न्यूनतम सदस्य 75% या 11, अर्थात अभिभावक सदस्यों की संख्या होगी 11। अब ये जो 11 अभिभावक सदस्य हैं इनमें भी 50% या 6 महिला। सबसे पहले कंडीशन थी कि कुल सदस्य 16 होंगे, 16 में से 8 महिला जरूरी है। अब 16 में से 11 सदस्य जो हैं वो अभिभावक सदस्य होते हैं और इन अभिभावक सदस्यों में भी 6 महिला अभिभावक सदस्य होंगे और इन 6 महिलाओं में भी यह कंडीशन रखी गई है, एक महिला SC कैंडिडेट और एक महिला ST कैंडिडेट। 6 में से एक SC महिला होगी और एक ST महिला होगी। 16 में से 11 सदस्यों में चयन किया गया है, 11 सदस्य हो गए अभिभावक। इन्हीं अभिभावकों में से अध्यक्ष कौन होगा, अभिभावक सदस्य और उपाध्यक्ष अभिभावक सदस्य। ग्यारह सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष का चयन किया जाएगा और एक उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया सर्वसम्मति से भी की जा सकती है और वोटिंग के आधार पर भी की जा सकती है। अभी तक हमने 11 सदस्यों का चयन किया है, 16 में से जो होंगे अभिभावक, जिनमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इसके अलावा पदेन सदस्य वार्ड पंच या वार्ड पार्षद। जिस वार्ड या जिस नगर पालिका क्षेत्र में विद्यालय स्थित है उस वार्ड का वार्ड पंच या वार्ड पार्षद जो है पदेन सदस्य होगा। तो 12 सदस्य हो गए, 11 अभिभावक,
और एक पदेन सदस्य। तेरवा है पदेन सचिव, पदेन सचिव, पदेन सचिव जो होता है वो हमेशा HM होता है, प्रधानाध्यापक, क्योंकि SMC जो है वो आठवीं कक्षा तक कार्यरत है और 9 से 12 में SDMC होती है, वहां प्रधानाचार्य होता है। तो इसका पदेन सचिव है वो HM होगा, और HM का पद अगर खाली है तो वरिष्ठतम शिक्षक जो होता है वो इस पद पर कार्यरत होता है। इस प्रकार हमने 11 अभिभावक हो गए, एक पदेन सदस्य हो गया 12, एक हो गया पदेन सचिव 13, एक होगा निर्वाचित निर्वाचित शिक्षिका, निर्वाचित शिक्षिका, उस विद्यालय में एक शिक्षिका जो है एक सदस्य होगी वो निर्वाचित शिक्षिका होगी। अगर उस विद्यालय में शिक्षिका कार्यरत नहीं है तो उसकी जगह शिक्षक होगा। 14 सदस्य हो गए, 2 सदस्य हैं वो होते हैं मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य होंगे 2। अब ये मनोनीत सदस्य 2 कौन कौन होंगे, तो याद रखना विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य द्वारा नामित, विधानसभा सदस्य द्वारा नामित 2 सदस्य। अब विधानसभा सदस्य द्वारा नामित ये 2 सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो स्थानीय प्रतिनिधि या पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति। इन मनोनीत 2 सदस्य में भी एक सदस्य महिला सदस्य होगी। स्थानीय प्रतिनिधि या पुरस्कृत, वो विद्यालय का बालक या बालिका। मनोनीत सदस्य 2 होंगे जिसमें एक महिला होगी, ये कौन हो, स्थानीय प्रतिनिधि या पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हो सकता है, स्थानीय या उस विद्यालय का बालक या बालिका, सामान्यतः अंतिम वर्ष का बालक या बालिका, जैसे 8वीं तक है तो 8वीं कक्षा का बालक या बालिका। इस प्रकार ये 16 सदस्य जो है SMC के सदस्य हो गए। अब हम बात करेंगे SMC की बैठक कब कब होती है। SMC की बैठक प्रत्येक अमावस्या को SMC की बैठक होती है। अमावस्या के अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को अनिवार्य बैठक। SMC की बैठक प्रत्येक अमावस्या को होती है। इसके अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को अनिवार्य बैठक की जाती है। बैठक में गणपूर्ति या कोरम 33% सदस्य, 5 सदस्य। SMC की बैठक के लिए जो कोरम रखा गया वो 33% सदस्य या न्यूनतम 5 सदस्य। बैठक की सूचना सचिव द्वारा चार दिन पूर्व अति आवश्यक होने पर 2 दिन पूर्व
एसएमसी की बैठक के सदस्यों को चार दिन पूर्व और अगर आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, इमरजेंसी हो तो दो दिन पूर्व की सूचना के ऊपर भी एसएमसी की बैठक बुलाई जा सकती है। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशों पर भी जो है एसएमसी की बैठक बुलाई जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी सचिव को निर्देश देगा और सचिव जो है सूचना देके एसएमसी की बैठक बुला सकता है। ये जो गठन है, ये जो बातें की जा रही है वो राइट टू एजुकेशन की धारा 21 के अनुसार की गई है। अब है एसएमसी के कार्य, एसएमसी के कार्य, इसके जो कार्य की धारा 22 में, राइट टू एजुकेशन की धारा 21 में एसएमसी का गठन दिया गया है और राइट टू एजुकेशन की धारा 22 में एसएमसी के कार्य दिए गए हैं। पहला कार्य, विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना। एसएमसी जो है वो उस विद्यालय के विकास के लिए योजना तैयार करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, भवन की व्यवस्था नहीं है, तो उन सब से संबंधित एक मैप तैयार करेगी, एक विकास योजना तैयार करेगी। ये एसएमसी का को अभिभावकों को बालक के अधिकारों के बारे में जागरूक करना। दूसरा एसएमसी का कार्य है अभिभावकों को बालक के अधिकारों के बारे में जागरूक करना, क्योंकि माता पिता का अनुच्छेद 51 के अनुसार कर्तव्य है शिक्षा का कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाएं। तो अभिभावकों को बालक के जो जो अधिकार हैं, बालक के अधिकार किसमें दिए हैं, अनुच्छेद 21 के में कि निःशुल्क और शिक्षा प्राप्त करना बालक का अधिकार है, तो उन सबके बारे में जागरूक करना। वित्तीय लेन देन अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संभव। प्रत्येक विद्यालय का एक बैंक अकाउंट होता है, एक खाता होता है, उस खाते से जितना भी लेन देन होगा, जो भी वित्तीय लेन देन होगा, वो अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से, अर्थात जो भी चेक, जो भी पैसा निकाला जाएगा, डाल जाएगा, उस पर जो अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। बिना अध्यक्ष के कोई वित्तीय लेन देन, सचिव कौन, एचएम होता है और एचएम की पद खाली है, तो यहाँ पे वरिष्ठ जो शिक्षक होता है वो सचिव के पद पर कार्य करता है। नेक्स्ट है आय व्यय का लेखा जोखा रखना। एसएमसी का कार्य है कि वित्तीय वर्ष में कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, उन सब का लेखा जोखा रखना। नेक्स्ट कार्य है शत प्रतिशत नामांकन व ठहराव, नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना। जिस वार्ड या क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां के एसएमसी का यह दायित्व है कि उस क्षेत्र का कोई भी बालक प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना हो, क्योंकि एसएमसी जो है वो प्राथमिक शिक्षा तक संचालित है। तो यह एसएमसी का दायित्व है कि अपने क्षेत्र में कोई भी बालक अनामांकित नहीं हो, प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं हो, और ठहराव सुनिश्चित करना। जो बालक नामांकित है वो प्रारंभिक
परीक्षा प्राप्त पूर्ण करे, अर्थात आठवीं तक की परीक्षा पूर्ण करके ही जाए, ठहरा वो बालक स्कूल में आठवीं कक्षा तक ठहरे भी, यह सुनिश्चित करना एसएमसी का कार्य है। नेक्स्ट कार्य है मिड डे मील, मिड डे मील व दुग्ध की व्यवस्था करना। एसएमसी का प्रमुख कार्य है कि मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था और दुग्ध वितरण की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, यह एसएमसी का कार्य है। नेक्स्ट एसएमसी का कार्य है बालकों की नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना। एसएमसी का यह प्रमुख कार्य है कि उस विद्यालय के बालक स्वस्थ रहें, उसके लिए समय समय पर जो उनका जो स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उनके द्वारा उनके समय समय पर स्वास्थ्य आते हैं, बच्चों के टीके वगैरह भी लगवाते हैं, आयरन कैल्शियम की गोलियां भी दी जाती हैं, तो वो सब इसी के अनुसार, क्योंकि एसएमसी का दायित्व है कि प्रत्येक बालक स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर बालक स्वस्थ रहेगा तो ही वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, तो स्वास्थ्य की जांच करवाना नियमित, ये भी एसएमसी का कार्य है। ये कुछ प्रमुख कार्य थे एसएमसी जो कि एजुकेशन के द्वारा इसमें दिए गए। अब हम बात करेंगे कि किसी सदस्य को एसएमसी से निकाला कैसे जाए या उसकी सदस्यता समाप्त कैसे हो। सदस्यता समाप्त, इसकी पहली कंडीशन है अगर उसका बालक उस विद्यालय को छोड़ के जा चुका हो, ता है विद्यालय शिक्षण नहीं कर रही हो, अगर उस अभिभावक का बालक या बालिका उस विद्यालय में शिक्षण नहीं कर रही है तो उसको उसके सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। भ्रष्टाचार में लिप्त हो, अगर किसी सदस्य पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो भी उसके सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। लगातार 3 बैठकों तिथ हो, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित हो, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित हो तब भी उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। लगे हो गंभीर आरोप लगे हो, अगर किसी व्यक्ति पे कोई गंभीर आरोप लगा है कोई क्राइम का या किसी अपराध का तब भी उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार कुछ कंडीशन थी जो सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ये हमारी एसएमसी पूरी हुई। अगर हमारा वीडियो अच्छा